हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और इस समय को यूटिलाइज भी कर रहे होंगे। बच्चों, आपको इस समय को गंवाना नहीं है, समय का सदुपयोग करना है। आप सभी जानते हैं कि आपके लिए ये साल कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए घर पर बैठकर अपनी स्टडी को जारी रखिए, उसे रुकने मत दीजिए। और इस COVID-19 के चलते अगर आपके विद्यालय अभी नहीं खुलते हैं तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जैसा कि अभी तक हम आपको व्याकरण संबंधी गृह कार्य दे रहे थे, उसमें कुछ बच्चों ने अपनी रुचि नहीं दिखाई है और उस गृह कार्य को हमारे पास कर नहीं भेजा है, तो बच्चों आप सभी अपने गृह कार्य को सुचारू रूप से करिए, इस अवसर को गंवाइए मत। तो अब हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके लिए साहित्य का पाठ्यक्रम भी ला रहे हैं। साहित्य के पाठों को हम आपको समझाएंगे और उसी के अनुसार आपको गृह कार्य देंगे, तो आपने उस गृह कार्य को अच्छी प्रकार से कर हमारे पास भेजना है। और यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारी स्कूल आईडी पर ही संपर्क कर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी समस्या को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं मिसेस पूजा नेगी, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज की कक्षा शुरू करती हूँ। तो क्लास 10, सभी बच्चे अपनी अपनी एकांकी संचय की पुस्तक खोल लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 9 में ही आप इस पुस्तक के प्रथम 4 पाठ पढ़ चुके हैं और दूसरी पुस्तक का आरंभ अभी हम नहीं कर पाए हैं। तो अब हम एकांकी संचय के पाठ 5 से आरंभ करते हैं, क्योंकि पहले के 4 पाठ आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पाठ 5 देखिए, महाभारत की एक सांझ, जो कि भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित है। यह एक एकांकी है। इस एकांकी में महाभारत सबने देखी होगी या महाभारत की पुस्तक का अध्ययन किया होगा। तो ये महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है। महाभारत की एक सांझ के दृश्य का इसमें वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम इस पाठ के पात्रों पर एक दृष्टि डालते हैं। जो भी इस पाठ में पात्र आए हैं उनको देखिए। पहला पात्र है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो है महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा, जो जन्म से अंधे हैं, जन्मांध मतलब जन्म से अंधे हैं, जो दुर्योधन के पिता थे धृतराष्ट्र, और पांडु इनके छोटे भाई और पांडव भतीजे थे। दूसरा पार्ट है इसमें संजय। धृतराष्ट्र के मंत्री जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। महाभारत का युद्ध जब हुआ था तो धृतराष्ट्र वहाँ नहीं थे, क्योंकि उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, तो वो वहाँ का सारा विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को सुनाते थे, संजय। तीसरा है दुर्योधन। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र हैं। फिर है युधिष्ठिर, 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर। फिर है भीम, युधिष्ठिर के छोटे भाई। और ये एकांकी जहाँ पर शुरू हुई है, स्थान है कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा। समय सांझ का समय है, शाम का समय है। सारंगी पर आलाप उठता है, सारंगी पर एक धुन उठती है। सारंगी एक बजाने वाला यंत्र, वाद्य यंत्र होता है, उस पर एक धुन उठती है। धृतराष्ट्र ठंडी सांस लेकर कहते हैं, कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि मैं कह नहीं सकता कि यह किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका भीषण विश्वफल हमें मिला। ओह, क्या पुत्र मोह अपराध है, पाप है, क्या मैंने कभी भी। इतना कह के वह चुप हो जाते हैं। संजय उनको समझाता है, शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। ये महाभारत के युद्ध की बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र। उनके पुत्र की जान है वो खतरे में थी, क्योंकि कौरवों की हार हुई थी महाभारत में और दुर्योधन जो है युद्ध के मैदान से भाग गया था। तो धृतराष्ट्र इसलिए बेचैन है, वो अपने पुत्र को
परेशानी में देखकर परेशान हैं कि उनका पुत्र जो है इस तरह मैदान से भागकर कहां छिप गया है, इसीलिए वो बेचैन हैं और संजय से अपनी बात कहते हैं। तो संजय उनको धैर्य दिलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, महाराज आप शांत हो जाइए, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। अब अगले पेज पर देखेंगे। धृतराष्ट्र कहते हैं, आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन द्वैतवन के सरोवर में छुप गए। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि उसके पास अपनी जान, आत्मरक्षा मतलब अपनी जान बचाने का कोई भी उपाय नहीं था, इसलिए महाबली सुयोधन, दुर्योधन को सुयोधन भी कहते हैं, तो वो कहते हैं महाबली सुयोधन द्वैतवन के सरोवर में घुस गए और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहे। वो वहाँ छिपा हुआ था दुर्योधन, पर ना जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर पहुंचकर वहां पहुंच गए। लेकिन किसी ने पांडवों को इस बात से अवगत करा दिया, इसकी सूचना दे दी और वे उसी समय तत्काल यानी कि तुरंत रथ पर पहुंचकर चढ़कर वहां पहुंच गए। इतने में रथ की गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। भीम कहते हैं, लीजिए महाराज, यही है द्वैतवन का सरोवर। वे अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल में छुपते हुए देखा। भीम जो है युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये द्वैतवन का सरोवर है। अहेरी मतलब शिकारी, अहेरी शिकारियों को कहा जाता है। उन शिकारियों ने उनको ये सूचना दी थी कि दुर्योधन जो है इस जल में छिपते हुए देखा गया है। युधिष्ठिर कहते हैं भीम से, आओ हम लोग उसे बाहर निकालने की चेष्टा करें, उसे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इतने में जल की कलकल ध्वनि सुनाई देती है। युधिष्ठिर पुकार कर चिल्लाते हैं, ओ पापी, अरे ओ कपटी दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति जल में छुपा बैठा है? बाहर निकल आ, देख तो काल तुझे ललकार रहा है। इतने में भीम कहते हैं, कोई उत्तर नहीं। जोर से चिल्लाता है भीम भी, दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती? युधिष्ठिर कहते हैं, लज्जा? उस पापी को लज्जा? भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की? जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय? सव्यंग्य हंसी, दोनों हंसते हैं। दुर्योधन जब उन दोनों की इतनी वार्तालाप सुनता है तो जल में से ही चिल्लाता है, दूर जल में से, हंस लो दुष्टो, जितना जी चाहे हंस लो, पर यह ना भूलना कि मैं अभी जीवित हूँ, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। तो बच्चों, ये आज एकांकी का इतना ही पार्ट हम समझाएंगे, क्योंकि इसमें युधिष्ठिर और दुर्योधन और भीम का वार्तालाप अभी चल रहा है। दुर्योधन जो है जल में छिपकर बैठा हुआ है और युधिष्ठिर और भीम उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, उनका ऐसा वार्तालाप चल रहा है। तो आशा करती हूँ इतनी एकांकी आपको समझ में आई होगी, इसी के अनुसार आप अपना गृह कार्य करेंगे। आगे की एकांकी मैं अगली क्लास में समझाऊंगी, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।